सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस इस वाली वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं लावा लून एट TH10 एंड गलतियां जो मैंने करी वो तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की पॉइंट जो आपकी अटैकिंग स्किल को अपग्रेड कर देंगे। पहली बात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉन्डो, क्योंकि मैंने जो सीखा था ना टाउन ऑनलाइन में, इतनी रस्टीनेस 1 स्टार, यानी कि पैक का हॉग में 1 स्टार। जो लॉन्डा 3 स्टार के नीचे बात नहीं करता था वो 1 स्टार। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो, एंड रस्टीनेस ऑलवेज। जाना तो हम सीधा वीडियो की तरफ ही बढ़ते हैं, मेरे लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट्स बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या आपको डाउन करना है अपनी क्वीन से, कहाँ से आपको अटैक शुरू करना है, सब कुछ इन डिटेल। तो बस बैठ जाओ थोड़ी देर एकदम शांति से। तो आपको क्वीन वॉक कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, जैसे वैल्यू मिल सके। वैल्यू क्या है? एनिमी की क्वीन, एनिमी के इन्फिनोटार्स, एनिमी के एक्सबो, एनिमी के विजाटार, एनिमी के एयर डिफेंसिस, जितने ज़्यादा मिल सके उतने। देखो इस बेस पे क्या था, अगर मैं यहाँ से एंट्री करता इस वाले कंपार्टमेंट से, तो मुझे मिलता था एनिमी की क्वीन, विजाटार, एक एयर डिफेंस, एक एक्सबो। अच्छी बात है। एंड देखो अगर क्वीन ज़्यादा अंदर की साइड है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ध्यान से देखो। इस बेस पे क्या था, क्वीन थी बहुत ज़्यादा अंदर यहाँ पर थी, एंड क्वीन के साथ ही बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक इन्फिनिटार था, एक्सबो था, एक एयर डिफेंस था, एंड रास्ते में एक विजाटार था। एंड अगर अंदर पहुंच गई क्वीन तो यहाँ पर एक और स्वीपर मिल सकता था, एंड टाउन हॉल तो ऑब्वियसली निकल ही जाता। तो हमने सोचा यहीं से अटैक शुरू करने का। फॉर एग्जाम्पल गाइस इस बेस पे देख लीजिए, क्वीन थोड़ी सी अंदर की साइड है, लेकिन क्वीन के साथ साथ हमें क्या क्या मिल रहा है वैल्यू। हमें मिल रहा है एक इन्फिनो टावर, एक एयर डिफेंस, दूसरा एयर डिफेंस, एंड दूसरा एक्सबो, एंड यहाँ पर आर्चर टावर वगैरह तो मिल ही रहा है। वो तो भाई फ्री की चीज़ है, ठीक है, समझ गए ना आप। तो अब आपको समझ में आपको कहाँ से अटैक शुरू करना है। सो अब वक्त आपको लावा लून की पाथिंग सिखाने का। यस पाथिंग। तो इस पाथिंग पे आने से पहले एक चीज़ देख लो, एक सीक्रेट ट्रिप है जो सबको आती है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। क्या है देखो, ये डिफेंस अकेला दिख रहा है, क्या है इसके साथ, एक आर्चर टावर, दो आर्चर टावर, बस और कुछ नहीं ना। तो क्या करो, 1 2 3 4 चार से पांच बलून इधर डाल दो, हेस्ट गिरा दो इधर, जिससे कि स्नैप में ये निकल जाए। यानी कि देखो अब क्या हुआ, ये वाला एयर डिफेंस निकल गया, तो लावा लून की पासिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, वरना कहाँ से होती। अगर ये वाला एयर डिफेंस नहीं निकलता तो लावा लून की पासिंग होती यहाँ से, समझे। कुछ सिंपल बनाओ यार चीज़ों को, यहाँ से यहाँ जाना ही चाहिए, सिंपल बनाओ यार चीज़ों को कुछ, समझ गए। देखिए ये वाला एयर डिफेंस निकल गया, अब क्या है हमारे पास है दो एयर डिफेंस। तो अब तो ट्रेडिशनल तरीका एक है, एक लावा, उसके पीछे यहाँ से तीन, ठीक है, यहाँ से डाल दिए, एंड फिर दूसरी साइड एक और एयर डिफेंस। इधर थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, लावा हाउंड तो पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या करो, एक हेस्ट इधर डाल दो, जिससे कि बलून क्या, इसे जल्दी फोड़े एंड जल्दी आगे बढ़ जाए, जिससे कि ये वाला एयर डिफेंस जल्दी डाउन हो जाए। एंड फिर क्या, यहाँ पर अब क्या कुछ बलून है, डालो हेस्ट इधर, डालो, जादू देखो, ये गया, स्नैप में निकलेंगी चीज़ें। क्वीन इस देखो क्या बोल रहा हूँ, क्वीन इसको डाउन कर लेगी, ठीक है, इस इन्फिनो को डाउन कर लेगी क्वीन, इसको भी डाउन कर लेगी क्वीन। बचा क्या, ये वाला सेक्शन लावा लून संभालेगा। देखो क्या करो, इधर हेस्ट डालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है, लावा जब तक पहुँचेगा तब तक बलून इसको फोड़ के यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ ये वाले बलून नहीं पहुँचे, कुछ बलून इसको मारेंगे, लेकिन कुछ पहुँच के इसको ख़त्म कर देंगे, फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है, समझ गया। एंड इस इधर की डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो एक हेस्ट का इन्वेस्टमेंट कर दो, 3 हेस्ट है हमारे आर्मी में कम। एंड अब आप सोच रहे हो कि इसकी औकात कैसे ख़त्म हो गई अचानक से, दैट इज़ द मैजिक ऑफ प्री प्लानिंग। अगर एक भी एयर डिफेंस ऐसा दिखे ना खुला है, या फिर एक का दो आर्चर टावर है, बस धर पकड़ कर लो उसकी। सच में यार, इट इज़ इजिएस्ट थिंग टू डू, सच में। देखिए
आपकी लेवल उनकी पासिंग कितनी सिंपल होगी। यहाँ से यहाँ पर एक हेस्ट डालो, यहाँ पर एक हेस्ट डालो, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो एक हेस्ट यहाँ पर भी डालो। अगर क्वीन बाई चांस इधर से कुछ नहीं निकाल पाए तो एक हेस्ट यहाँ पर डालो। यहाँ का ये वाला एरिया तो क्लियर हो गया, बलून स्टिक कर दिया। ये वाला एक्सबो अगर स्टोन स्लैमर है, अगर देखो हाँ एक नई चीज़ सॉरी, तो यार मैं कह रहा था अगर यहाँ से हम देखो यहाँ से हम एक लावा डालेंगे एंड उसी के साथ साथ इधर से स्टोन स्लैमर डालेंगे एंड एक आध दो बलून डालेंगे जिससे कि यार चलो जल्दी से डैमेज हो जाए और ख़त्म हो जाए, जिससे कि ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये हमें मिल सके। यहाँ से तो मैंने आपको प्लान बता ही दिया, अगर आपके पास स्टोन स्लैमर नहीं है लावा डालिए उसके पीछे एक सेकेंड, कलर चेंजिंग में थोड़ा दिक्कत है तुम्हारे भाई को आज, हाँ उसके पीछे एक दो तीन चार चार सेट्स ऑफ बलून डालिए, इधर एक हेस्ट स्पेल डालिए एंड हेस्ट स्पेल आपको इधर भी डालना है जिससे कि एक्सेस किसका मिल सके, ये जो बिल्डिंग है ये वाली बिल्डिंग इसका इसका जो एक्सेस है वो मिल सके। इधर आपको आपके पास दो फ्रिज रहेंगे, एक सेकेंड सॉरी एक सेकेंड कलर चेंजेस टू ग्रीन, बड़ा गंदा लगा ना, हाँ तो जिससे डालेंगे जिससे कि ये कंपार्टमेंट पूरा फ्रीज हो जाए। ये वाला जो इन्फिनिट आ रहा है ये वाला, ये हमारी क्वीन जाकर टेक डाउन कर लेगी। तो ये कुछ प्लान है, इसके बाद मैं आपको दो रिप्ले दिखाऊंगा, कमेंट्री नहीं करूंगा कर पाऊंगा सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, आप नोटिस कर लेना मैंने जो बोला है वही करूंगा मोस्ट ऑफ टाइम्स, एंड थोड़ा सा स्पेल कॉम्बो में चेंज किया, थोड़े से एक्स्ट्रा टिप्स भी बताऊंगा, एक बात बताई फिर एक और बतानी है मुझे, उसके बाद थोड़ी सी गलतियां उसके बाद रैप अप करेंगे, चलते हैं रिप्लेस की तरफ, लेट्स गो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sometimes lost is better than investment. तो इस अटैक में आप देखो एकदम अच्छे से चल रहा है, रेज डाल के क्वीन को अंदर भेजा गया, एक सेकंड सॉरी हाँ रेज डाल के क्वीन को अंदर भेजा गया इलेक्ट्रो आया, लेकिन देखिए ये जो इन्फिनो टावर कितनी तीनों के तीनों फ्री स्पेल जो है वो खा जाएगा, समझ गया एक रेज खा गया फिर भी एबिलिटी नहीं बच पाई, फिर भी मजबूरन एबिलिटी देनी पड़े। अगर ये फ्रीज बच जाती दो फ्रीज एक रेज दो फ्रीज ही बच जाती तो भी ये थ्री था, ये गया था 86% टू स्टार बिकॉज ऑफ दैट फ्रीज, सच में। तो एक एक्स्ट्रा टिप है तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, चलते अपने ध्यान से देखिएगा। देखिए बेबी ड्रैगन एक तरह से किंग अपनी फनल पूरी अच्छे से करेगा, देखना किंग ने अपनी दो बिल्डिंग तोड़ दी लेकिन बेबी ड्रैगन ने क्या किया स्टोरेज के ऊपर आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर क्वीन यहाँ पर पहुँच गई जो पहुँची थी, देखिए यहाँ पर वॉल खुल गया, लेकिन क्वीन अगर इस आर्टर को मारने पहुंची उसके बाद इस आर्मी कैंप को मारा तो वो अब अंदर नहीं जाएगी। तो ये ध्यान रखिए बेबी ड्रैगन की पोजीशनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर एक अटैक। देखिए अब ना इधर से इन्फिनो टावर मिल पाएगा ना एक एयर डिफेंस मिल जाएगा, चलो जैसे तैसे इन्फिनो टावर नहीं मिलेगा जो मेन चीज़ थी। फिर आप क्या करो इधर आप ये टिप भी लगा सकते हो वो एक्स्ट्रा बलून वाली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि एक्सबो है इधर एंड अर्चर टावर है। तो नेक्स्ट गलती है स्पेल पोजीशनिंग के ऊपर, देखा क्वीन चार्ज एकदम बढ़िया हो चुका है, एक इन्फिनो एक एक्सबो एक एयर डिफेंस एक विजार्ड टावर हो चुका है क्लियर। क्वीन इस टाउन हॉल को टेक डाउन करके इधर की वॉल तोड़ेगी और एक और एयर डिफेंस ले लेगी, या फिर ये वाली वॉल तोड़ेगी ये वाली डिफेंस ले लेगी, तो इसके ऊपर हमारा अटैक आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, हमने इधर से शुरू करा एक्सपेक्टिंग क्वीन ये वाली वॉल तोड़ के ये वाला डिफेंस ले लेगी, जिससे कि हमने यहाँ से अपनी वेव शुरू की, देखिएगा। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये वाली वॉल तोड़ रही है, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टिंग कि क्वीन यहाँ पर भी जा सकती है यहाँ पर भी जा सकती है, तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क हमने यहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतना नहीं अटैक क्योंकि
स्पेल पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी, यहाँ पर एक हेस्ट आनी चाहिए थी पहले ही यहाँ पर, जैसे कि ये डिफेंस जल्दी टेक डाउन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। एंड क्वीन भी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई, अंदर आ गई भी इसके, जिससे उसे बाहर जाना था, तो ये थोड़ी गलतियाँ थी।